के तहत पंडित विनोद शर्मा पिंजौर में मंजी साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका, लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार और कांग्रेस उम्मीदवार के नाकामियों को उजागर करते हुए लोगों से शक्ति रानी शर्मा को वोट देने की अपील की। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की ओर से पंडित विनोद शर्मा को सिरोपा भेंट किया गया। गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने सिरोपा भेंट किया और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा का ये चुनाव प्रचार शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में कांग्रेस की नाकामियों को इस दौरान उन्होंने उजागर किया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा ने पिंजौर की ग्रीन वैली कॉलोनी में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। वहां लोगों से शक्ति रानी शर्मा को वोट देने का भरोसा लोगों ने उनको दिया। लोगों ने पंडित विनोद शर्मा का भव्य स्वागत किया। पंडित विनोद शर्मा ने कालका से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि कालका का संपूर्ण विकास कराना शक्ति रानी शर्मा का संकल्प है, हम सभी मिलकर इस संकल्प को पूरा करेंगे। तो इस तरह लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं पंडित विनोद शर्मा और कालका से बीजेपी की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और यहाँ भी देखिए लोगों ने उनका किस तरह स्वागत किया। ग्रीन वैली के लोगों ने उन्हें वोट देने का भरोसा दिलाया और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि वो शक्ति रानी शर्मा के समर्थन में हैं, उनके साथ हैं और उन्हीं को वोट देंगे।